हेलो, वेलकम बैक फ्रेंड्स। माय नेम इज हरी सोजा। पिछली वीडियो में हमने पैकिंग एंड अनपैकिंग सीखी थी, तो आज की इस वीडियो में आपको बताना चाहूंगा कि पैकिंग अनपैकिंग का यूज हम एक एग्जांपल के साथ कैसे कर सकते हैं। सपोज कीजिए मेरे को एक फंक्शन है, ओके सपोज को लाइट की एक फंक्शन है। मैंने फंक्शन का नाम देता हूँ सिंपल फंक ट्यू, ओके फंक ट्यू नाम दिया मैंने फंक्शन का नाम। इसमें मैंने पास किए आर्ग्यूमेंट, पहला फर्स्ट पास किया मैंने जैसे PHP, सेकेंड पास किया मैंने जावा एंड लास्ट पास किए मैंने पाइथन, ओके इस तरह से मैंने तीन आर्ग्यूमेंट पास किए। मैं इसको कॉल कराना चाहता हूँ, सिंपली मैंने इसको कॉल कराया। अब कॉल कराने के लिए हमको एक फंक्शन डिफाइन होना चाहिए, एक जैसे मैंने फंक्शन डिफाइन किया और उसका नाम दे दिया फंक टू, ओके फंक टू यानी कि फंक्शन टू, ओके। अब डिफाइन करने के बाद ये चीज़ क्या होती है आपके इस समय, मैं आपको बता चुका हूँ ये चीज़ क्या अभी अनपै, ये क्या अभी इस समय ये क्या यानी कि अनपैक्ड है, यानी कि अभी अनपैक्ड फॉर्म में, किस फॉर्म में यानी कि अनपैक्ड, ये अनपैक्ड है। यहाँ पे जाके कम्प्लीटली पैक होके जाएगी, क्या हुई कम्प्लीटली पैक, जैसे मैंने बोला आपसे ARGS, ओके सिंपली मैंने पास किया। अब यहाँ पे जब मैं इसको प्रिंट करूँगा तो देखिए फाइन, तो यहाँ पे देखो ये अभी चीज है ना क्या अनपैक्ड होती नहीं है, क्या यहाँ पे ये चीज क्या आपका अनपैक्ड है, हा? अब इसकी हम क्या करेंगे, इसकी हम करेंगे पैकिंग, क्या करेंगे हम लोग इसकी पैकिंग। पैकिंग करके जब मैं पास की ये वैल्यू आपकी, तो यहाँ पे ये पैक्ड हो गई, क्या हो गई यहाँ पे ये हो गया आपका पैक्ड, ये पैक्ड हो गई देखो, ठीक है। अब ये पैक्ड हो गई, तब मैंने इसको स्टार लगा के मैंने इसको क्या किया अनपैक किया, स्टार लगा के कर रहे हैं अनपैकिंग कर रहे हैं, ओके इसकी हम स्टार लगा के कर रहे हैं अनपैकिंग कर रहे हैं। नहीं ऐसा मैं देखो ये वैल्यू जो थी क्या थी अनपैक्ड थी, यानी कि फ्री ऑफ फ्री वैल्यू थी। मैंने इसको पैक करके भेजा, यानी कि यकी मैंने इसकी पैकिंग की, पैकिंग करके कहाँ पास कर दिया ना फंक्शन में उठा के पास कर दिया। तब मैंने स्टार पास किया यहाँ पे, तो स्टार ने क्या किया उसको कम्प्लीटली अनपैक्ड कर दिया अनपैक, यानी कि यहाँ पे क्या आई वैल्यू पैक्ड वैल्यू है आपका। फिर मैंने उसको क्या किया अनपैकिंग की आपकी, अनपैकिंग की जब मैंने उसको सिंपली इसको प्रिंट किया तो देखिए इसका आउटपुट क्या आता है, ये देखिए इसका आउटपुट क्या है आपका PHP जावा पाइथन, जो कि एक ट्यूपल फॉर्म में। अगर आप क्लियर नहीं है तो एक बार दिखाता हूं मैं आपको, ये देखिए देखो ये क्या है ट्यूपल फॉर्म में, कर्ली ब्रेस यहाँ पे कर्ली ब्रेस नहीं है, कर्ली ब्रेस होता तो सेट होता है और बॉक्सेस होते सिंपल तो वो आपका लिस्ट होता है, लेकिन यहाँ पे पैरेंथेसिस यूज किए गए हैं, यानी कि जो कि क्या होता था आपका एक ट्यूपल, आप समझ रहे हैं ये हो गया आपका एक ट्यूपल। मैं इस ट्यूपल के अंदर कुछ मॉडिफाई करना चाहता हूँ, इस ट्यूपल क्या ऐसा पॉसिबल है आप ट्यूपल में मॉडिफाई कर सकते हैं, नहीं कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं उसका ट्यूपल कहता है। हाँ अगर मैं उस ट्यूपल को लिस्ट में कन्वर्ट कर दूँ, जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ, तो मैंने लिस्ट में कैसे कन्वर्ट किया, सिंपल लिखा आर्क्स इक्वल टू एक वेरिएबल बनाया, वेरिएबल भी सेम वही रखा है, मैं उसको ओवरराइड करना चाहूंगा पिछले वेरिएबल को, सेम वेरिएबल है उसको ओवरराइड करना चाहूंगा मैं इसको, तो आर्क्स इक्वल टू लिस्ट, क्योंकि पाइथन की डायनेमिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, आप समझ रहे हैं इस बात को, लिस्ट और पास कर दिया सिंपली आर्क्स है, मतलब उसी वेरिएबल को उठाया या उसी वेरिएबल जो कि ट्यूपल है उसको लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया, उसी वैल्यू में पुट कर दिया, क्योंकि डायनेमिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पाइथन टाइप कन्वर्ट करने में बहुत आसानी होती है इसमें, आप समझ रहे हैं कोई एरर नहीं देता आपका। अभी कन्वर्ट चुका है, अब देखिए मैं इसको जब प्रिंट कराऊंगा सिंपली देखिए तो आर्क्स का प्रिंट आएगा एक लिस्ट के फॉर्म में, पहले एक ट्यूपल आएगा, देखो पहले एक ट्यूपल आया आपका, अब क्या आया एक PHP करके पूरे एक लिस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका ना आपका। अब मैं इस लिस्ट में कुछ मॉडिफिकेशन करना चाहूंगा, सपोज करो मैंने मॉडिफिकेशन क्या लिया, मैंने लिखा आर्क्स, मॉडिफाई करने के लिए हम उसकी इंडेक्सिंग वैल्यू देते हैं जैसे कि जीरो, जीरो पोजिशन में मैं वैल्यू एंटर करना चाहूंगा यहाँ पे कोबोल फाइन, नेक्स्ट आर्क्स वन पे यानी कि फर्स्ट जो है आपका यानी जीरो मतलब फर्स्ट जीरो इंडेक्स, ये फर्स्ट इंडेक्स और ये सेकेंड इंडेक्स, तो इस फर्स्ट इंडेक्स में चेंज करना चाहूंगा वैल्यू यहाँ पे इस जगह, तो चेंज करने के लिए मैंने यहाँ पे दे दिया सिंपली आपका, देखिए यहाँ पे दे रहा हूँ मैं आपका पास्कल, ओके फाइन। जब मैं इसको प्रिंट करूंगा देखिए प्रिंट ARGS, ओके जब मैं इसको प्रिंट किया सिंपली देखिए ओवरराइट हो गई लिस्ट, हो गई कंप्लीटली, आपको दिखाई दे रहा होगा पहले यहाँ था अब ये हो गया आपका, क्लियर है। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब मैंने क्या इसको प्रिंट तो कर दिया, मैं इसको एक नए फंक्शन में पास करना चाहता हूँ, उस फंक्शन का नाम दे दिया मैंने फंक फन वन, ओके पास करने में क्या पास किया
आर्क्स पास किया ना, ओके अब मैंने पास तो कर दी तो उसके लिए भी फंक्शन ही बनाना चाहिए, तो मैंने ऊपर एक फंक्शन डिफाइन किया जिसका नाम है एफ वी एन वन। ओके यहाँ पे आपका क्या रहा है आर्ग, क्या रहा है आपके आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट भी कहेंगे अनपैक्ड होके आएंगे, ए कॉमा मैं बी कॉमा सी, कितने थ्री वेरिएबल्स, यानी कि थ्री मैंने पैरामीटर बनाए क्योंकि मैंने थ्री वैल्यू ही पास की है आपका, समझ रहे मेरी बात को, और मैंने सिंपली इनको प्रिंट करा दिया, इनको ए कॉमा बी कॉमा सी सिंपली मैंने इसको प्रिंट करा दिया। ओके देखिए यहाँ पे क्या हुआ, आर्क्स जो है यहाँ पे प्रिंट हो गए और मैंने यहाँ पे आर्क्स प्रिंट कर दिए। अब बताओ इस आर्क्स के अंदर क्या एक लिस्ट है, एक लिस्ट है, और वो लिस्ट ना आपका एक डिफरेंट वेरिएबल यानी कि अलग लिस्ट में एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे आपके अलग 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 होंगे, कंप्लीटली लिस्ट में एलिमेंट होंगे वो आपके क्या होंगे अलग अलग होंगे। जैसे तो हम क्या करेंगे लिस्ट की अनपैकिंग, क्या करेंगे अनपैकिंग, यार यहाँ पे ये लिस्ट क्या है किस फॉर्म में, अनपैक्ड फॉर्म में, अनपैक्ड फॉर्म में, यानी कि देखो आर्क्स है, आर्क्स के अंदर एक एक आर्ग्यूमेंट होगा आपका, तो लिस्ट किस में फॉर्म में आपका अनपैक्ड फॉर्म है, यानी एक एक एलिमेंट अलग अलग है आपका। मैं उस एलिमेंट को यहाँ पे यानी अनपैक्ड फॉर्म में मैंने इसकी करी आपकी पैकिंग करी, पैकिंग कर, हालांकि इस समय देखो मैं एक चीज बताऊँ ये अनपैक्ड फॉर्म में कैसे हुआ, देखो अनपैक्ड फॉर्म में जैसे मैंने बोला आपसे आर्क्स, क्या बोला आर्क्स, अभी आर्क्स में अगर इस तरह से वैल्यू जाती है कैसे पी एच पी है और कोबोल फिर कॉमा करके यहाँ पे पास्कल, तो ये अनपैक्ड फॉर्म है, लेकिन जब इसके आगे कोई ब्रैकेट इस तरह से लग जाए तो वो एक तरह से पैक्ड ही होता है, वो कहता है एक तरह से पैक्ड ही होता है, याद रखना एक तरह से कहता है पैक्ड ही होता है, तब ये आर्ग्यूमेंट जो है एक तरह पैक्ड फॉर्म है। अगर मैं माउस शो करता हूँ लिस्ट शो करेगा, देखो ये एक तरह से अब जगह पैक्ड है, मैं इसको क्या करूँ अनपैकिंग करूंगा, ये किस फॉर्म में इसका इस समय अभी पैक्ड फॉर्म में देखिए। ओके लेकिन मैं क्या करने जा रहा हूँ इसकी अनपैकिंग, इसकी अनपैकिंग यू एन पी एस सी के आई एन जी यानी अनपैकिंग, अनपैकिंग करने के लिए हम क्या करते हैं इसको पुट करते हैं आपका स्टार, तो इसका मतलब अनपैकिंग की, तो अब जो हुआ ना अनपैक्ड, हुआ ना अनपैक्ड, तो अनपैक्ड में कहाँ लिखूंगा यहाँ पे ना लिखते हुए अनपैक्ड यहाँ पे लिखता हूँ क्योंकि यहाँ पे अनपैक्ड हुआ है, यहाँ पे अनपैक्ड हो चुका है आपका, अनपैक्ड होके वो प्रिंट कर जाएगा। तो आप समझे मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले यहाँ पे पास किया अपने पी एच पी जावा पाइथन, आर्क्स के अंदर यहाँ पे ये क्या हुई, यहाँ पे क्या हुआ अनपैक्ड है, क्या ये अनपैक्ड, ये अनपैक्ड है, अलग अलग वैल्यू है, यहाँ पे क्या मैंने ब्रैकेट दिया इस तरह का है, लिस्ट वाला नहीं दिया ना, अगर ब्रैकेट दे दिया तो वो पैक्ड कहलाती है, लेकिन जब ये अनपैक्ड है स्वतंत्र है एक एक कॉमा सेपरेटेड है आपके पास की मैंने, तो ये अनपैक्ड है, मैंने इनको पैकिंग की, क्या की मैंने की पैकिंग, पैकिंग करके मैंने पास कहाँ पास कर दिया इस आर्ग्यूमेंट के अंदर, तो पैकिंग करने के लिए मैंने क्या किया सिंपली पास कर दी वैल्यू और यहाँ पे ये वैल्यू पहुंच चुकी है आर्क्स के अंदर, तो पैकिंग हुई ना आपका, अब पैकिंग हो क्या आई तो वैल्यू क्या हुई पैक्ड कहलाई, अब उस पैक्ड वैल्यू को हम अनपैकिंग करेंगे, अनपैकिंग करने के लिए क्या करते हैं हम लोग सिंपली स्टार लगाते हैं, तो मैंने यहाँ पे एक स्टार लगा दिया। ओके स्टार लगा के मैं इसको प्रिंट किया तो ट्यूपल प्रिंट करेगा, जब मैं इसको कन्वर्ट किया कास्टिंग की लिस्ट में क्योंकि मेरे को कोई मॉडिफिकेशन करना है, ट्यूपल में मॉडिफिकेशन नहीं होता आपका लिस्ट में मॉडिफिकेशन हो सकता है, तो मैंने लिस्ट में कन्वर्ट किया उसको और प्रिंट करा दिया तो एक लिस्ट प्रिंट हुई, मैंने मॉडिफाई किया आर्ग्यूमेंट जीरो इंडेक्सिंग में कोल्ड डाल दिया, पहले क्या था जीरो इंडेक्सिंग में पीएचपी था और वन इंडेक्सिंग में क्या था आपका जावा था, अब पास्कल आ जाएगा तो पीएचपी, तो यहाँ पे क्या होगा कोबोल पास्कल पाइथन, इस तरह से प्रिंट होगा आपका आर्ग्यूमेंट। अब प्रिंट करने के बाद मैंने क्या किया एक फंक्शन बनाया यहाँ पे आर्क्स, और जो प्रिंट होगा ना ये क्या हुआ यहाँ पे ये ना फॉर्म जो होगा ना वो क्या होगा आपका वो होगा पैक्ड फॉर्म, क्या होगा पैक्ड फॉर्म होगा, यानी कि एक लिस्ट में पैक्ड एज लिस्ट के फॉर्म में पैक्ड होगा। ओके अब यहाँ पे पास की मैंने एक लिस्ट, हाँ लिस्ट को भी क्या हुआ स्टार की अनपैकिंग कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ अनपैकिंग, पैक्ड लिस्ट गई है लेकिन स्टार लगाया तो उसकी क्या हो रही है अनपैकिंग हो रही है, आप समझ रहे हैं इसकी अनपैकिंग, अनपैकिंग होकर फंक्शन वन में गया, तो फंक्शन वन क्या है आपका यहाँ पे फंक्शन वन में ए बी सी तीन वैल्यू जो कि अनपैक्ड हो गई, अनपैकिंग कर रहे थे हम लोग तो इसलिए यहाँ पे क्या हुई आके अनपैक्ड हो गई, और अनपैक्ड हो गई तो सेपरेटली मैंने उनको प्रिंट करा दिया, जब मैं इसको रन किया तो देखिए देखिए पहले आ रहा आपका पीएचपी जो पहली फर्स्ट लाइन थी प्रिंट वाली तो ट्यूपल प्रिंट कर रहा है, देखो यहाँ पे सेकंड वाली लिस्ट वाली ये आपकी है तो कन्वर्ट आफ्टर कन्वर्सेशन देखिए लिस्ट आ गया, थर्ड आर्ग्यूमेंट प्रिंट किया पैक्ड एज लिस्ट मतलब चेंज करने के बाद मॉडिफिकेशन करने के बाद तो ये आ गया आपका, उसके बाद फोर्थ फंक्शन के अंदर कॉल हुआ है यानी कि ये रहा प्रिंट ए बी सी, तो ए बी सी को बोल देखो अनपैक्ड होके सो रहा है, ये पैक्ड है
ये पैक्ड है, ये पैक्ड है, लेकिन ये क्या है अनपैक, क्योंकि ना इसमें ब्रैकेट्स है ना कुछ नहीं है आपका, तो इसलिए कंप्लीटली सेक्शन आपका अनपैक्ड है। तो आज की इस वीडियो में हमने सीखा कि कैसे अनपैकिंग और पैकिंग किस तरह से हम एक एग्जाम के हेल्प से समझ सकते हैं। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना काफी है, नेक्स्ट वीडियो में आपको डिक्शनरी की अनपैकिंग करके दिखाऊंगा, एक डिक्शनरी में अनपैकिंग कैसे की जाती है एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा, और भी कुछ अनपैकिंग के एग्जाम्पल रहेंगे जो आगे कंटिन्यू में बताते जाऊंगा, बहुत प्यारे एग्जाम्पल है, बहुत अच्छे हैं, आपको समझने में बहुत आसानी होगी आपका। तो आज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए चैनल को। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, गुड बाय।